बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है। फाइनल टर्म में जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी, और एमसीक्यूज़ में मैंने उन चीज़ों को ऐड किया है जिससे आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो एक ही तरीके से बनती हैं। अगर आप किसी चीज़ की डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लें तो वो आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं और एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट कंटेन, जो रिपोर्ट होती है ना, उसका जो जनरल सुपरस्ट्रक्चर होता है ना, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 6 एलिमेंट्स होते हैं एक जनरल सुपरस्ट्रक्चर रिपोर्ट के, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिपोर्ट की बात की गई है। सेकेंड हमारा जो एमसीक्यूज है वो स्टेप्स टू प्लानिंग अ रिपोर्ट, जब भी हम कोई रिपोर्ट प्लान करते हैं उसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसके 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक रिपोर्ट के जनरल सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कितने होते हैं उनके नेम लिखें, ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स आपको पता होंगे तो ऑब्वियसली आप उनके नेम भी लिख सकेंगे। इसी तरह स्टेप्स टू प्लानिंग अ रिपोर्ट, जब भी हम कोई रिपोर्ट प्लान करते हैं उसके स्टेप 5 होते हैं, तो वो भी आपको जो है वो आप लिख सकते हैं इजीली। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट, अब सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है किसी भी रिपोर्ट को प्लान करने का, वो होता है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, ठीक है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, अब फॉर्मल रिपोर्ट के कितने होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक टाइटल फ्लाई, एक टाइटल पेज और तीसरा होता है बॉडी। अब यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट की चीज़ों को मर्ज करने का ये है कि आप जो है इनको कंपेयर करके प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। जब एक ही चीज़ आप डिफरेंट चीज़ें आपको एक ही पेज पे मिल रही हैं तो आप उनको कंपेयर करके डिफरेंस के साथ उनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की गई एक रिपोर्ट के जनरल सुपरस्ट्रक्चर की, जिसके 6 एलिमेंट हैं, फिर एक रिपोर्ट के प्लान करने के कितने स्टेप्स होते हैं, 5। इसी तरह सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी रिपोर्ट को प्लान करने का, वो होता है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। इसी तरह जब भी आप कोई फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके पार्ट्स कितने होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों के नाम भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजान हो रही है, सुन लो पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 7th मंथ जो प्रोजेक्ट होता है, रिपोर्ट होती है, मतलब वो कह रहा है कि एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ना वो 7th मंथ्स का है, तो उसके लिए आपकी जो रिपोर्ट है वो कितने पेजेस की होगी। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये अब आपका एमसीक्यूज भी है। 100 पेजेस से लेकर, ठीक है, या फिर आप कह ले 100 पेजेस से लेकर आप जो है उसकी हाई स्पीड इंजन टेस्ट तक जो है वो उसको उस प्रोजेक्ट को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 पेजेस कह लें या 100 पेजेस कह लें, ठीक है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है अगर हम 7th मंथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उन्होंने प्रोजेक्ट की बात नहीं की, अब उन्होंने जो है वो डायरेक्ट पेजेस की बात करी। अब वो कह रहे हैं कि 200 पेजेस रिपोर्ट जो होती है उसका क्या मकसद होता है, तो जो 200 पेजेस रिपोर्ट होती है वो एड्रेस करती है जनरल पब्लिक को, ठीक है। जो 200 पेजेस की रिपोर्ट होती है वो जनरल पब्लिक को जो है वो एड्रेस करती है, और ये मोस्टली बलूचिस्तान में यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है और पेजेस के बारे में पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर वो पेजेस के बारे में बता रहा है और उन पेजेस वाली रिपोर्ट के पर्पस का पूछ रहा है, ठीक है। जो 100 पेजेस वाली रिपोर्ट होती है वो 7th मंथ प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, और जो 200 पेजेस की रिपोर्ट होती है उसको हम एड्रेस्ड करते हैं एक जनरल पर्पस के लिए, ठीक है। 12 पेजेस की जो रिपोर्ट होती है वो बेस करती है लाइब्रेरी रिसर्च के ऊपर, ठीक है, आपने याद रखना है। जब 12 पेजेस की रिपोर्ट होती है वो आपकी लाइब्रेरी रिसर्च पे बेस करती है। 2 पैराग्राफ की जो रिपोर्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ 2 पैराग्राफ्स की भी हो सकती है और 200 पेजेस की भी हो सकती है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि एक रिपोर्ट जो होती है वो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो आप कह सकते हैं 2 पैराग्राफ से 200 पेजेस तक जो है इसकी रेंज होती है। ये आपने जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट के बारे में एक ही पेज पे देख लिया है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट। हर रिपोर्ट का जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है ना, वो डिस्कशन होती है। जब तक आपकी रिपोर्ट के अंदर डिस्कशन नहीं होती, तब तक आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये एमसीक्यू से आपको आ सकता है कि एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है, तो डिस्कशन होती है। उसके बाद जो कंक्लूजन होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंक्लूजन किस चीज पे बेस करती है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स, आपके जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो आपकी कंक्लूजन के ऊपर बेस करते हैं, या आपसे कह लिया जाए कि जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो किस चीज पे बेस करते हैं, तो वो हमारी कंक्लूजन पे बेस करते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो डिफरेंट तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को भी जो है वो क्वेश्चन के अंदर भी देखा करें कि क्या क्या पूछा गया है। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन हाउ मेनी वेज, आपके जो रिजल्ट होते हैं ना वो दो तरीकों से आपको जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में होता है और एक ग्राफ की फॉर्म में होता है। तो टू वेज होते हैं आपके किसी भी रिजल्ट को प्रेजेंट करने के, टेबल और ग्राफ की फॉर्म में। नेक्स्ट हम छोटे छोटे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अब उन्होंने बात की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, ठीक है, तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके सुपर स्ट्रक्चर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके सात होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जनरल जो सुपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट होती है उसके कितने होते हैं, उसके छह होते हैं, तो इसी तरह जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सात होते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। अब उन्होंने पूछा है कि प्रपोजल की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, जिस तरह आपसे कहा गया था कि एक रिपोर्ट की जो है वो लेंथ कितनी होती है, वो होती है कि आप दो पैराग्राफ से उसको स्टार्ट करके 200 पेजेस तक लेके जा सकते हैं, इसी तरह उन्होंने प्रपोजल की लेंथ पूछी है, ठीक है। तो प्रपोजल की जो लेंथ होती है वो 100 से लेकर इवन 1000 पेजेस तक की जो है वो आपका प्रपोजल हो सकता है, 100 से लेकर 1000 पेजेस तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल्स। पीछे हमारा सुपर स्ट्रक्चर था जनरल रिपोर्ट का जिसके 6 एलिमेंट थे, फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर था फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जिसके 7 एलिमेंट्स थे, इसी तरह अब हमारा सुपर स्ट्रक्चर है प्रपोजल्स का, उसके जो हैं वो 9 एलिमेंट्स होते हैं। वो आप इनको खुद ही इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि फिर इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी फॉर्मेट्स ऑफ अ प्रपोजल, एक प्रपोजल के कितने फॉर्मेट हो सकते हैं या होते हैं, तो उसके तीन फॉर्मेट होते हैं, एक होता है लेटर, दूसरा होता है मेमोज और तीसरा होता है बुक्स, ठीक है। लेटर की फॉर्म में भी आप प्रपोजल लिखते हैं, मेमोज की फॉर्म में भी लिखते हैं, और बुक्स की जो है फॉर्म में भी आप अपने प्रपोजल्स लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो शॉर्टेस्ट जो होती हैं ना वो एक या दो या फिर फ्यू सेंटेंसेस की होती हैं, और एक या दो पैराग्राफ आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट कितनी होती है, 100 से थाउजेंड्स जो हैं वो सेंटेंसेस की हो सकती हैं। अब आपके बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो अगर उसकी शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है ना वो 1 से 2 जो है वो पैराग्राफ भी कह सकते हैं आप, और कुछ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, या एक दो सेंटेंसेस। उसके अलावा अगर उनकी लेंथ देखी जाए तो वो 100 से लेकर 1000 सेंटेंसेस की भी हो सकती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस की रेंज है। नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन प्रोसेस इज यूज्ड इन जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस व्हाइल डेवलपिंग प्रोफाइल। जब भी हम कोई प्रोफाइल डेवलप करते हैं या कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट पर्पसेस होते हैं उसके, ठीक है, कि आप उसको एक पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं या आप उसको किसी बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है उसके दोनों पर्पस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली भी उसको ले सकते हैं, यानी जनरल के लिए भी ले सकते हैं और स्पेसिफिक यानी अपने पर्सनल यूज के लिए भी बना सकते हैं उसको। तो उसके लिए हम चूज करते हैं प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं जिसमें जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। इसी तरह बोथ एन एसे एंड पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ग्रेजुएशन। एसे और पैराग्राफ दोनों जो हैं उसके अंदर आप इज और आर का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इनको चेंज करते हैं। जब भी कोई आप ऐसे या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो कोई उसमें
कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें इस और आर का जो है वो इन इज टू आर इन चीज़ों का जो है वो चेंज यूज़ ना हो। तो यही आपने जो है वो ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद है कर्टेसी मीन्स ओनली थिंकिंग अबाउट रिसीवर एंड नॉट वैल्यूइंग हिज फीलिंग्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि कर्टेसी का ये मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स एनुअल। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे पास एनिमेशन जो है वो गलत लग गई है क्योंकि पहले वाला एमसीक्यू ये वाला है। इसको पहले देख लेते हैं। रेफर्स टू डैश रेफर्स टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स विद इन द सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉलन का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ डिस्कशन, ठीक है, मैं अपना जो है वो लिख रही हूँ, रिपोर्ट लिख रही हूँ, उसके अंदर मैं हेडिंग देती हूँ डिस्कशन की। डिस्कशन के फौरन बाद में एक कॉलन का साइन लगाऊंगी और उसके नीचे फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में एक पैराग्राफ या सेंटेंस लिखूंगी। तो ये होता है कि जो कॉलन होता है वो एक्सप्लेन करता है हमारे कुछ पॉइंट्स को सेंटेंस के अंदर। यानी मैं छोटी सी हेडिंग देते हैं, कॉलन लिखते हैं, उसके बाद फिर उस हेडिंग के से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह सब्स्टिट्यूट्स सब्स्टिट्यूट्स वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स एनुअल। तो वो एनुअल के लिए आप जो है वो ईयर का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, एनुअल उन्होंने दिया है, यहाँ से ही आप जो है वो इसका एमसी राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पांच एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, तो उसके पांच एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, वट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ आर रिपोर्ट। आपको पता है जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो हर रिपोर्ट का एक हार्ट कहलाता है। जैसे हम कह देते हैं कि कुरान पाक का जो हार्ट है सूरह यासीन है, इसी तरह ये एज एन एग्जाम्पल मैंने जो है वो इस्लामिक चीज को ऐड किया है। तो रिपोर्ट का जो हार्ट होता है ना वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप इंट्रो ही नहीं लिखेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो कभी भी जो है वो एक या कह लें कि एक कंप्लीट नहीं होगी, या फिर एक इंफॉर्मेशनल नहीं होगी, या उसके मेन मेन लॉजिक का ही नहीं पता होगा कि हम वो क्यों लिख रहे हैं या पर्पस का। उसके बाद है वेयर वी यूज प्रॉपर टोन फ्रॉम द बिगिनिंग इन अ रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। बैड न्यूज मैसेज जो होता है इसको जो है हम जो यूज करते हैं एक प्रॉपर टोन के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आप एक रीजन देते हैं एक अंडरस्टैंडेबल वे में। ठीक है, इन दी रिकमेंडेशन सेक्शन, रिकमेंडेशन जब भी आपको रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे लास्ट पे आप रिकमेंडेशंस देते हैं एक या दो लाइन में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब भी रिकमेंडेशन सेक्शन में आप लिखते हैं एन एम्पिरिकल रिपोर्ट लिखते हुए आप जब रिकमेंडेशन देते हैं, द राइटर आंसर्स द रीडर्स क्वेश्चंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं उसमें जब हम रिकमेंडेशन लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने रीडर के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं एक या दो सेंटेंसेस के अंदर। तो ये ट्रू है। या यहाँ पे अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हम रिकमेंडेशन के अंदर क्या करते हैं, कि क्या होता है रिकमेंडेशन सेक्शन के अंदर, तो आप ये बता सकते हैं कि हम वहां पे एक राइटर के, ठीक है, जो राइटर होता है वो आंसर्स देता है रीडर्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैब टेक्नीशियंस वेंट थ्रू द टाइट्रेशन प्रोसेस विद रिबल्ट गियर। ठीक है, शी डैश ऑन ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट फेल्स एवरी टाइम कीप्स। तो ये कुछ उन्होंने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपने जो है डिटेल में थोड़ा प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे इंग्लिश के नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी बुक के जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल पे जाएं, वहां से प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, वहां पे आपको इंग्लिश के शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मिलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के मिलेंगे, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि हमने ग्रामर से रिलेटेड जो आपको एमसीक्यूज आएंगे चार से पांच,
तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें नाउन प्रोनाउन सारे जो प्रपोजिशन ये सारी जो है वो उसमें समझाई हुई है, तो वो भी आप एक वीडियो जाके जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद है विच फ्रेज शुड बी यूज वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप कौन सा जो है वो फ्रेज जो है इस्तेमाल करते हैं, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी विद क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाला फ्रेज जो है वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ पेपर कैन बी यूज फॉर कन्वेंशनल रिज्यूम। कन्वेंशनल रिज्यूम के लिए हम किस तरह का जो है वो पेपर इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम तीन तरह के पेपर इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट पेपर भी हो सकता है, बफ पेपर भी हो सकता है और ग्रे पेपर भी हो सकता है, तो इसलिए आप जो है वो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्री टाइप्स ऑफ रीडर्स यूजली एग्जिस्ट, कि कौन से जो है वो तीन किस्म के जो है राइटर्स जो हैं वो रीडर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें फैंटोम रीडर्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर रीडर्स भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स रीडर्स भी होते हैं। आप इनको PFC से याद कर सकते हैं, ठीक है, P फैंटोम, F से फ्यूचर और C से कॉम्प्लेक्स, तो रीडर्स तो सबके साथ आ ही रहा है वर्ड, फैंटोम फ्यूचर और कॉम्प्लेक्स रीडर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, द सब्जेक्ट्स आर इन बोल्ड एंड द वर्ब्स आर अंडरलाइन। अब देखें जो सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के बारे में बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का क्या रोल होता है और वर्ब का क्या रोल होता है, ठीक है, ताकि आप जो है वो ग्रामर के जो MCQs आएंगे उनको इजीली जो है वो चूज कर सकें। तो इसका राइट ऑप्शन ये है कि इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो बोल्ड होता है और आपके जो वर्ब्स होते हैं वो अंडरलाइंड होते हैं। इन द न्यूज़पेपर एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल अपेयर्ड, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है एन ईगल इफ प्रेस्ड फॉर फूड माइट डैश अ स्मॉल बेबी दैट हैड बीन लेफ्ट इन द ओपन अनप्रोटेक्टेड बट सच एन अपॉर्चुनिटी मस्ट अकर वेरी रेयरली। तो इसके लिए कैरी ऑफ का जो है वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कैरी इन, कैरी आउट, ठीक है, कुछ इस तरह के, तो आपने जो है वो कैरी ऑफ का चूज करना है। AIDS एड्स स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। Which of the following sentences gives instructions? तो कौन सा सेंटेंस जो है वो हमें instructions देता है, जिसमें आप जो किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज 25। यहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है, आपको instructions दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज farthest इन द पास्ट अ मंथ अगो। farthest का मतलब होता है अगर आपको यहाँ पे वो दे देता कि 1 week ago, 2 week ago, 3 days ago और एंड पे आपको देता 1 month ago, तो इन सारे में मंथ अगो जो है वो ज्यादा farthest है, ठीक है, पास्ट के लिहाज से, तो इसलिए आपने 1 month ago को चूज करना है। मॉडर्न एशियन रेस्टोरेंट इन जकार्ता हैव एन एक्सटर्नल हिस्ट्री, तो यहाँ पे एक्सटर्नल हिस्ट्री की जगह वो क्या कह रहा है, वो आपने उसको कहना है कि एक्सटेंडेड उसका जो है आपने यूज करना है। विच फॉर्म इज करेक्ट इज मोस्ट सिचुएशंस, ठीक है, तो कुड यू हेल्प मी जो है ये एक करेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आर यूज, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है। ये हम इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड प्रिडिक्ट प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, हम जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट यूज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल अल्टरनेट को। वाई स्टाइल गाइड्स आर वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टाइल गाइड्स का जो है ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके लिए हम टू अचीव अ यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू अचीव कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्टाइल, इन दोनों के लिए हम जो है वो स्टाइल गाइड्स का यूज करते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट को अचीव कर सकें और उस डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकें। चिल्ड्रन आर टायर्ड बट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू, ठीक है। उसके बाद है ब्रूनो वेंट टू द व्हाइट माउंटेन्स ऑफ न्यू हेमिस्फेयर एंड पॉलन वेंट टू कैप कोड, तो इसके लिए हम ये कौन सी जो है वो सेंटेंस होगा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है, कंपाउंड। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो सिर्फ MCQs को प्रिपेयर करके एग्जाम में चले जाते हैं और जो है वो बाय लक वो पास भी हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं उनके लिए जो है वो कंपाउंड सेंटेंस को थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या होता है। बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस जो है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, एक तो ये इस बंदे की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाया और उसके बाद एक अलग ये वाली बात की। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा गया है, जोड़ के बात की गई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि हम जो है वो कंजंक्शन करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन होता है कि एंड्स के साथ या बट के साथ या और के साथ हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ते हैं, ठीक है, कंजंक्शन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स आगे दूंगी, ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यूज में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ आई लाइक कॉफी, और अगर कहती हूँ कि मैरी लाइक्स टी, तो अगर मैं आई लाइक कॉफी और मैरी लाइक्स टी दोनों को जोड़ के लिखूं तो मैं लिखूंगी आई लाइक कॉफी एंड मैरी लाइक्स टी। तो इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब मैंने जोड़ के लिखा एंड का वर्ड यूज करके एज एन कंजंक्शन, तो ये मेरा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जॉन वाज एंग्री एंड शाउटेड एट हिज सन, गो टू योर रूम नाउ। अब ये क्या है, स्पीच मार्क है, गो टू योर रूम नाउ, वो क्या कह रही है, एक स्पीच मार्क दे रही है। यहाँ पे जिन लोगों को स्पीच मार्क का नहीं पता उनके लिए आसानी कर दूँ थोड़ी सी, कि जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है ना उसको हम स्पीच मार्क उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पता क्या होती है, कोटेशन मार्क्स को हम स्पीच मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और इसको जो हम क्या करते हैं इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो ये होती है जिसमें आपको कोई शख्स जो है वो कुछ ऑर्डर कर रहा होता है या आपको कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है, उसको हम जो है एज एन जो है वो स्पीच मार्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज हो तो उसको हम कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क जो है एज एन पंक्चुएशन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। जो टास्क फैसिलिटेटिंग रोल होता है ना उसका मतलब होता है सजेस्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स दैट विल मूव टू द ग्रुप टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। टास्क फैसिलिटेटिंग इसलिए मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने आपको टास्क दी हुई है, फिर आपको वो है कुछ सजेशंस भी देगा कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सजेशंस डिसीजन मेकिंग, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ सजेशंस दी जा रही हैं ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो आपके गोल्स तक जो है वो मूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी स्लाइड के ऊपर मैंने एक ही क्वेश्चन डाला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया आर यूज इन प्रपोजल। प्रपोजल के अंदर चार तरह के क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं। वाइल डिलीविंग एन ओरल प्रेजेंटेशन टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्रेजेंट पर्सन शुड यूज फॉर्मल। ओरल प्रेजेंटेशन ये होता है कि आप जो है ऑडियंस के सामने सिर्फ बोल कर जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कोई स्लाइड या कोई इस तरह की पीपीटी तैयार नहीं की हुई, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सी जो है वो स्टाइल चूज करेंगे, तो उसके लिए आप एक फॉर्मल स्टाइल चूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द विदड्रॉल सिम्टम्स फॉर कैफाइन आर नॉट एज सेवर एज अदर ड्रग्स, तो फैकल्टी कंपैरिजन जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस एम टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसिस हु आर इंक्लाइन टू रेजिस्ट सो दे डिपेंड हैविली ऑन स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम प्लानिंग। तो परसुएसिव मैसेज जो होता है ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यूज। अब यहाँ पे जिन लोगों को परसुएसिव मैसेज का नहीं पता कि वो क्या होता है, बेसिकली परसुएसिव मैसेज जो होता है ना इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लोगों की जो है वो अटेंशन जो है वो उसको गेन करते हैं, बिल्ड करते हैं दूसरों के इंटरेस्ट को, ठीक है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं और जो है मोटिवेट करते हैं डिफरेंट एक्शंस को, ठीक है, ये होता है परसुएसिव मैसेज का काम। और ये एक सेंट्रल मैसेज होता है, ठीक है, जिसको हम दूसरों की अटेंशन इंटरेस्ट इन चीज़ों को जो है वो गेन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, टू इंश्योर क्लैरिटी प्लेस योर डैश केयरफुली, प्लेस योर मॉडिफायर्स क्लेयरफुली। अब यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो मॉडिफायर्स का ही नहीं पता, मॉडिफायर्स जो होते हैं ना बेसिकली ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं
या फिर कह लें कि फ्रेज होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक मीनिंग को किसी और वर्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि बर्गर, बर्गर के वर्ड को मैंने मॉडिफाई करके लिखना है, तो मैं इसको वेजिटेरियन के मीनिंग में लिख दूंगी। ठीक है, किसी वर्ड या फ्रेज को हम स्पेसिफिकली मीनिंग को किसी दूसरे वर्ड में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉडिफायर्स। अब मैं बर्गर के वर्ड को अगर किसी सेंटेंस में यूज करूँ कि आई एम गोइंग टू सॉल्ट एंड पेपर फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर, अब मैंने सिर्फ बर्गर नहीं यूज किया बल्कि मैंने बर्गर के साथ वेजिटेरियन बर्गर लिख दिया, तो ये मैंने अपने इस सेंटेंस को या अपने इस बर्गर के वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है। इसी तरह मिस्टर जेम्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश डैश ही कैन स्पीक माजरिन वेरी वेल बट। ठीक है, ये बट का वर्ड मैंने एज एन यहाँ पे क्या किया है, दो चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद है बायस लैंग्वेज दैट माइट ऑफेंड द ऑडियंस इज बेस्ड ऑन कल्चरल बायस और जेंडर बायस। ठीक है, अब यहाँ पे बायस लैंग्वेज जो है इसको आपने, इसके दो जो हैं वो तरीके हैं आपने जो है इसके याद रखने हैं, ये किन दो तरीकों पे बेस करती है, तो एक कल्चरल होती है और दूसरी होती है जेंडर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू क्रिएट अ मेमोरेबल स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच शुड बी रिलेटेड टू ऑडियंस नीड। आप कोई एक जो है स्पीच तैयार कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को देने के लिए, लेकिन आपको वो स्पीच तैयार करने के लिए क्या आपका मोटिव होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो है इस स्पीच से, उस इस स्पीच से रिलेटेड उसकी क्या नीड है, मेरी स्पीच इस तरह की होनी चाहिए कि मैं उसकी नीड को फुलफिल कर सकूं। ठीक है, यानी मेरी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट ले, ये नहीं है कि उनका इंटरेस्ट कहीं और हो, वो बैठे तो हों लेकिन उनके माइंड्स जो हैं वो मेरी स्पीच के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। तो ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी एक मेमोरेबल स्पीच को क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कंडेंसेशन ऑफ एंटायर रिपोर्ट फोकसिंग ऑन द मेन इश्यू, ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट। तो आपने दोनों चीजों को जो है वो अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ से भी समझ नहीं आएगी कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट होते क्या है। कुछ सेंटेंसेस हैं या आपके पास एक पैराग्राफ है, अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को एक या दो पॉइंट्स के अंदर एक समरी बना के किसी को बता देते हैं ना, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को एक समरी की बुनियाद पर, यानी कि जब हम कह देते हैं कि उसका क्या कहूँ अब मैं, कि कोई ऐसा वर्ड के उस एक वर्ड या किसी एक लाइन से आप उस पूरे पैराग्राफ को बयान करते हैं, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके जैसे कि कोई भी वर्ड मैं यूज कर लूँ, लव का वर्ड यूज कर लूँ, फ्रीडम का कर लूँ, चैरिटी का कर लूँ, तो ये सारे जो हैं वो या आप कह लें कि स्मेल करना, ये सब जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट के ही मीनिंग में आ जाते हैं। जो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना बेसिकली वो बेस करते हैं जनरल आइडियाज के ऊपर। ठीक है, वो रियल थिंग्स या इवेंट्स के ऊपर बेस नहीं करते। ठीक है, वो जनरल आइडियाज के ऊपर बेस करते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी एम्प्लॉयज अ मेड टू डू बोथ द कुकिंग एंड वॉशिंग फॉर हर फैमिली, द चिल्ड्रन एट द डेफ म्यूट सेंटर कैन नाइदर हेयर नोर स्पीक। अब आपको नाइदर और नोर का भी यूज का पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज विल जज इंटरपर्सनल स्किल्स इन अ बेटर वे। ग्रुप इंटरव्यू जो होता है ये क्या जज करता है हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को। ये आपको उल्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा रिवर्स करके भी वो पूछ सकता है कि ग्रुप इंटरव्यू किसके लिए जो है वो आपको यूज करते हैं, या ये कौन से वे को जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये जज करता है हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को। अमंग अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है, द टैकलिंग ऑफ द क्वार्टर बैक बिहाइंड द लाइन ऑफ स्क्रिमेज दैट इज नाउन एज अ सैक। तो सैक का जो है उन्होंने वर्ड यूज किया है इज वॉट इज, इसके लिए जो है वो आपने चूज करना है। हाउ मनी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट हैज, एक रिपोर्ट को प्लान करने के चार स्टेप्स होते हैं। उसके बाद ये फिर से आ गया है आपका एक, मैंने उसी एमसीक्यूज को दोबारा से ऐड कर लिया है कि कंपाउंड सेंटेंसेस को, कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम जो है वो एंड का यूज कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, व्हाट इज मीन बाय टास्क फैसिलिटेटिंग। ठीक है, ये सारे जो है मैंने आपके साथ पहले ही, ये वाला जो है आपका एमसीक्यूज थोड़ा डिफरेंट है, द टीचर कंपेयर द पोएट विद अ बर्ड। तो आपने विद का जो है वो यहाँ पे यूज करना है।
ये दोनों बात मैंने दोबारा से रिपीट की है ताकि आपको याद रखें, ठीक है। उसके बाद है व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स होती हैं, विजुअल एड्स होती हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स का पर्पज क्या होता है, टू मेक द डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंग, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू सिंप्लीफाई द डाटा। तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा। अब विजुअल एड का आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए एक विजुअल एड है, ठीक है। मतलब आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने डाटा को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, ठीक है, और मेरी डॉक्यूमेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का आपको मैंने बता दिया कि वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफायर्स अ वर्ड क्लियरली स्टेटेड इन द सेंटेंस। एक वर्ड को हम क्लियरली सेंटेंस के अंदर जो है वो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको डैंगलिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस शुड कंटेन एन एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ का आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो फिला कैन नॉट गो टू हर फ्रेंड्स पार्टी बिकॉज हर पेरेंट्स हैव नो कार्स। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफ का वर्ड कौन सा है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, फ्रेंड्स का, ये वाला फ्रेंड्स का जो वर्ड है ये अपोस्ट्रोफ का यूज है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो अपोस्ट्रोफ्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे फ्रेंड्स उन्होंने क्यों चूज किया है, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ एस का जो है वो वर्ड चूज हुआ है, ठीक है। यहाँ आप कह लें कि अपोस्ट्रोफ को जो है आप कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और या फिर आप किसी पोजेसिव केस को जो है वो इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अपोस्ट्रोफ्स की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें राइट और रॉन्ग भी होता है, ठीक है। या फिर आप इसके प्लूरल वर्ड्स के लिए अगर मैं कहूँ आपसे अपोस्ट्रोफ के लिए, तो उसके लिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ कैट्स। कैट्स का वर्ड मैं यूज करी हूँ, जहाँ पे कैट भी कर सकती थी, मैंने कैट्स की जगह एस का जो है वो वर्ड भी ऐड किया। तो इसका मतलब है कि प्लेस द अपोस्ट्रोफ आफ्टर द एस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड्स है, यहाँ पे पेरेंट्स है, यहाँ पे कार्स है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, हमें हम अगर इसका आंसर ना भी देखें तो हमें पता होना चाहिए कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो है अपनी लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। कह देते हैं फलां बंदा बड़ा एटीट्यूड वाला है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको जज कर रहे होते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है, अपनी अपनी जजमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। जजमेंट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो होता है वो हमारे एटीट्यूड्स कहलाते हैं। दे कैन वॉच आइदर द डिटेक्टिव सीरीज और द फॉरेन मूवी, ठीक है। आइदर और का यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है रिटन डिफेमेशन इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं लाइबल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सेम वर्ड के बारे में पूछा, ठीक है। डिफेमेशन जो है वो और लाइबल, ये लाइबल, ये दोनों वर्ड जो हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि रिटन डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड लाइबल। अब ये दोनों वर्ड जो हैं इनका मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हम जब कोई फॉल्स स्टेटमेंट को पब्लिश कर देते हैं, या हम किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो डिफॉर्मेशन या फिर लाइबल कहलाता है, ठीक है। Which one of the following is more effective technical communication? Written communication जो होती है ये बहुत effective होती है और जो है technical communication की एक किस्म है। उसके बाद है the app is accepted and sits quietly smoking a cigar and reading a newspaper which he holds upside down. It is a complex sentence. अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पीछे compound sentence का पता था, इसी तरह complex sentence का भी पता। अब जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर था दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हम जोड़ते थे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। जब उन दोनों को हम जो है जोड़ते हैं तो ये कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, तो और ये अच्छे तरीके से जो है वो वर्क करता है। तो इसी तरह अगर मैं आपको कोई दूं एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर इसी को आप देख लें, ठीक है, इसी में एक जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और उन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका इज क्या है, अनडिनाइबली एट द फ्रंट ऑफ द रेस टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट
ओबेसी कंट्री, अनडिनाइबली को चूज करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ एनिमेशन गलत लग गई थी इसलिए। डैश द मीन द मैन, नाइदर द मैन नोर देयर सुपरवाइजर इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिशअप। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स? सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स का मतलब होता है कॉलिंग अटेंशन टू ओन सेल्फ एंड डिमांडिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। उसके बाद है द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन एट वंस और ही विल डाई। अब यहाँ पे भी और का वर्ड यूज है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बार बार ये कहूंगी कि आप अपनी प्रपोजिशन को तैयार करें, इंग्लिश ग्रामर को तैयार करें, नाइदर नोर कहाँ यूज करना है, आइदर और कहाँ यूज करना है, और का यूज कहाँ पे करना है, ताकि आप जो है कॉमन जो आपके यूजेस हैं इंग्लिश के, आपके ये जो जनरल लाइफ के अंदर, वो भी आपके जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये सब कुछ, और आपके एग्जाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। व्हाई इज द बेबी क्राइंग? व्हाई इज द बेबी क्राइंग? आइदर शी इज हंग्री और हर नैपी नीड चेंजिंग। सारे एमसीक्यूज जो है ना ये पेपर्स में मोस्टली जो है आते रहते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन जो है वो कहीं बाहर से नहीं ऐड किया, इसके अंदर आपके नोट्स को मद्देनजर रखते हुए ही ऐड किया है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म डिनोटेटिव? डिनोटेटिव का मतलब होता है इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड के लिटरल मीनिंग को जो है अगर हम रेफर करते हैं तो वो डिनोटेटिव कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल सेक्शन इज रिलेटेड टू रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन? रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।